कर सकता है। परंतु फिर आगे बता रहे कि रूपद्रता भजन करने में बहुत सारी नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं, बीमार हो जाते हैं और इत्यादि इत्यादि कष्ट बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार अब सोनक आदि ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न कर रहे हैं, जिनका उत्तर जो है पूरी भागवत ही है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि समस्त प्राणियों का कल्याण किसमें है, जीव को परम शांति कैसे मिलेगी। अब ये जो प्रश्न है ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, उन्होंने जो है ये प्रश्न जो किए हैं वो सभी के कल्याण के लिए किए हैं, वो अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अरे गुरुदेव बता रहे हैं कि साधु का जो है कोई भी कार्य अपने लिए नहीं होता है, वो हमेशा निज स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करते। बता रहे हैं कि महान स्वभाव यही तारी ते पामर, निज कार्य नहीं जान तब उतार घर। ये वो जो इनका स्वभाव है, महान स्वभाव है, क्या है महान स्वभाव, यही तारीते पामर, जो पापी व्यक्ति हैं उनको उद्धार करने के लिए ही वो अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके दूसरे का लाभ ही करते हैं। जैसे कि बताते हैं कि बूंद अगाध सहे गिरी जैसे, खल के वचन साधु सहे जैसे। जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो सबसे पहले वर्षा कहाँ गिरती, बारिश कहाँ गिरती है, पहाड़ों पर। वो जो है उसको सहन करते हैं और उसको जो है द्रव रूप में हमारे लिए खेती के लिए और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है पानी, जिससे जीव जंतुओं का भला होता है। उसी प्रकार जो साधु हैं वो दुष्टों के वचन को भी सहन करके उनका जो है कल्याण ही करते हैं। इस प्रकार ये उनसे प्रश्न कर रहे हैं। फिर इसमें बताया शॉर्ट फॉर्म में जो है इनके उत्तर बताए हैं, लेकिन भागवत में पूरा वर्णन है इनके उत्तरों का। बता रहे कि कृष्ण प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, भगवान कृष्ण की सेवा करने से ही जो है परम शांति मिलती है, जिनका भजन करने में ही जीव का कल्याण है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि जिससे प्रसन्न हो वह विषय क्या है। इसके लिए बता रहे हैं कि शास्त्रकारों ने और ऋषि मुनियों ने और ग्रंथों में जो है अलग अलग उपाय बताए गए हैं, परंतु कलयुग में बुद्धिमान जीव ऐसे कौन से पद का अवलंबन करे जिससे वह भगवत प्राप्ति कर सके। बताया कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर जयंती ही सुमेत सा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे और उसी से जो है भगवत प्राप्ति होगी। फिर आगे कह रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण के चरित्र का हमें श्रवण कराइए। अब यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण कौन, इनके 3 नाम हैं और 3 ही स्वरूप हैं, मथुरेश कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदर कृष्ण। ये जो हैं बोल रहे हैं कि इन तीनों की कथा हमें श्रवण कराइए, मथुरेश कृष्ण की, द्वारकेश कृष्ण की और ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेश कृष्ण की। अब चौथा प्रश्न कर रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण के अवतारों की भी हमें कथा सुनाइए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपको भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो अवतारों को चरित्र के श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अनेक अवतार लिए हैं और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएँ की हैं। जैसे वामन अवतार लिया, उसमें बलि महाराज को छला और तीनों लोगों को जो है नाप लिया, एक बावन अवतार की लीला है। और नृसिंह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार में क्या हुआ, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान जो है खंभे से प्रकट हो गए। इस प्रकार अनेक अनेक अवतारों की अनेक अनेक लीलाएं हैं। और इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएँ की हैं, गोवर्धन धारण लीला, रास लीला इत्यादि जो लीलाएं ही हैं वो सब हमें श्रवण कराइए। इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि जो हैं उनकी गुण और महिमा क्या है।
जैसे अवतार और भगवान की कथाएं हैं, उनकी महिमा क्या है, उनके गुण क्या हैं, उसके लिए बता रहे हैं। आपन संस्कृति घोरा यह नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्चेत यह दिवेति स्वयं भवम भयम। कि मृत्यु के घोर चक्कर में पड़े हुए जीव भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण से उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। इसमें उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल ने अपने पुत्र को लक्ष्य करके भगवान का नाम पुकारा और वो उसी से वैकुंठ धाम की उसको प्राप्ति हो गई। वो भगवान का जो है ऐसा गुण है, ऐसी महिमा है उनकी, कैसी, जो स्वयं भयम, जो भय को भी भय प्रदान करने वाले हैं। आगे अगला प्रश्न किया उन्होंने, अंतिम प्रश्न, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के पश्चात धर्म ने किसका आश्रय लिया। मैं बताया कि धर्म ने जो है भागवत का ही आश्रय ग्रहण किया। इस प्रकार ये सोनागादी ऋषि ने उनसे 6 प्रश्न किए और इसमें शॉर्ट फॉर्म में ये प्रश्नों के उत्तर हैं। और पूरी भागवत में 6 प्रश्नों का, पूरी भागवत ही 6 प्रश्नों के उत्तर हैं। इस प्रकार सोनागादी, ठीक है, वांछा कल्प दुर्वश कृपा संदेह पता नाम पावनी वैष्णव। हेलो, बोला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो याद सनातन तुम्हारा नंबर कितना दिन पहले बोला तुम बोलोगे सनातन बोलोगे कितना रोज रोज बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ बस सो जा रहे हैं। ए क्या काम जा रहे हैं इधर आ वांछा कल प्रवेश कृपा सदगे बचपन के तानाम पावन योगेश नमो नमो नमः। ओम विष्णु पाद मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत पचपासी धर्म महाराज के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करूं। इसको बाद में भी ये पढ़ाई करते हैं। तुम दिन भर के कितना सेवा करते हो बताओ, मंदिर क्या सेवा करते हो, कौन सा सेवा करते हो, बोलो तो ना, कौन सा सेवा करते हो, 8 घंटे रात में तो काम करते हैं, 3-4 दिन पहले पहले 5-10 दिन पहले आना चाहिए। सब तो भागवत की तैयारी कर रहे हैं, पर हम तो भागवत का सार बोलेंगे आज। तो भगवान ने ब्रज में सब गोपिन से कह दी, शरद पूर्णिमा आ रही है, हम रास करेंगे। हाँ तो भाग 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 भागवत का सार बोलेंगे आज। सब गोपी ते कह दी, अब सब गोपी तैयार होके आ गए वृंदावन में। अब भगवान कह रहे हैं, देखो मेरे दर्शन कर लिए, वृंदावन के दर्शन कर ले, जमुना जी के दर्शन कर ले, अब तुम जाओ। भगवान योचो कह रहे हैं कि अब तुम जाओ। तो कभी भगवान भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। अब जैसे हम तुम कहीं बाजार में जाएंगे, कोई घड़ा लेंगे 100 रुपए का, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हैं, फूटा तो नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जाओ। अब गोपी कह रही, हमें निमंत्रण दे दिया, बुला लिए, अब कह रहे हैं जाओ। फिर भगवान कह रहे, देखो आप जानती नहीं पतिव्रता धर्म कितनी श्रेष्ठ है। तुम पतिव्रता नारी हो और तुम रात्रि में आ गई हो, तुम जाओ, पतिव्रता धर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो भगवान के भक्त थे दो, पति पत्नी,
पतिव्रता धर्म था कि मेरे भक्त हैं उनकी कथा सुनाता हूँ तुम्हारे को, जब आपको समझ बैठ जाएगी, क्यों कथा ऐसी है ना, कथा सबके समझ बैठ जाती है। तो भगवान पतिव्रता नारी की कथा सुना रहे हैं कि देखो पतिव्रता धर्म कितना श्रेष्ठ है। मेरे भक्त थे, रोजाना जंगल में जाना, आम की लकड़ी सूखी सूखी बीन करके हवन करते थे वो। एक दिन उसका पति थक गया हवन करते करते, तो पत्नी का सहारा लेकर के कोठा से सिर लगा करके सो गया। उनका एक बच्चा था कोई 6 महीने का, वो खेलता खेलता घोटुन चलते चलते हवन की तरफ आ रहा है। अब पत्नी कह रही है कि ये बच्चा आ रहा है, इसको नहीं भी बचाऊंगी तो अग्नि में ये गिर जाएगा तो जल जाएगा, ये तुम्हें पति को मैं जगाती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब पत्नी ने कही बच्चा तो मेरा कर्म है, लेकिन मैं पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। तो जैसे बच्चा बाहर खेल रहा था तो पतिव्रता धर्म के देखो कितना श्रेष्ठ है, वो अग्नि भी शीतल ठंडी हो गई। जैसे बच्चा बाहर खेल रहा था जैसे बच्चा अग्नि के अंदर खेल रहा है। भगवान सुना रहे गोपियों को देखो पतिव्रता धर्म कितना श्रेष्ठ है, तो तुम जाओ। अब गोपी कह रही है ठीक है, अब यही पीछे जन्म की पिछले जन्म की कथा इनकी हमें सुनाते हैं, यही पतिव्रता थे इन्हीं की, दोनों की कथा हम आपको सुनाते हैं। अब गोपी भगवान को कथा सुना रही है इसी कथा को, तो सुनाने लगी कि देखो एक बार इनके घर में कुछ पैसे की कमी पड़ गई। इनका पति बोला कि मैं पैसे कमाने के लिए धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। यही पतिव्रता नारी बोली कि आप बाहर जाएंगे, मैं आपको खिला करके, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपको खिला करके जब खाती हूँ, बाहर आप चले जाएंगे तो आपने खाया कि नहीं खाया, आपसे पहले मैं खा लूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो पंडित जी ने कही कि ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। तो उनने कही कि देखो ऐसा है, एक मिट्टी की मूर्ति बना ले कि मैं जब तक नहीं आता हूँ जब तक इसकी पूजा कर, जैसे अब तू मेरी को खिला करके खाती है, जैसे इसको भोग लगा करके खा, इसकी सेवा कर, तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। वो पति बाहर चला गया पैसा कमाने के लिए, 6 महीने बाद आया पैसा कमा करके, गेट खटखटा रहा है, अरे भाई गेट खोल। अब अंदर से आवाज लगा रही, अरे मैं तो पूजा कर रही हूँ, पूजा पे बैठी हूँ, मैं कैसे गेट खोलूँ। अब वो गोपी पूछ रही है भगवान से कि वो क्या करे पतिव्रता नारी, उसके मिट्टी की विग्रह की पूजा करे कि गेट खोले। अब ठाकुर जी कह रहे हैं जब असली पति आ गया तो गेट खोलना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आरती करनी चाहिए। तो अब गोपी कह रही है जब हमें असली पति मिल गया तो हम मिट्टी के पुतलों की पूजा क्यों करें। तो ठाकुर जी की गर्दन नीचे को झुक गई। गोपी बोली कि कल युग में कोमल सिद्धा है, ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं भक्तों की सिद्धा टूट जाएगी। अब राधा रानी आई, राधा रानी आई तो राधा रानी कही हे श्याम सुंदर अब रास आरंभ करो। फिर रास हुआ, एक कृष्ण ये गोपी, एक कृष्ण ये गोपी, खूब रास हुआ। अब उस रास में से भगवान राधा रानी अंतर ध्यान हो गए, यही पास की कथा है ये। तो भगवान राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार पट में श्रृंगार किया है। अब वो गोपी रो रही हैं, अब रो रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। उन्होंने कही ना कि अब हम तो भागवत का सार बोलेंगे, देखो गीता का सार क्या है, शरणागति। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, लास्ट का श्लोक क्या लिख रहे हैं, संकीर्तन, मेरे नाम का, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। ऐसे गीता का सार क्या है, शरणागति। और भागवत का पूरा सार क्या है, जैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब गोपी रो रही हैं, कीर्तन किया तो भगवान प्रकट हुए, नहीं हुए, हुए। अब ऐसे ही हमारे भगवान खो गए, हमें रो करके पुकारे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक छोटी सी कथा और आती है, एक माताजी की सुई खो गई, तो माताजी सुई ढूंढ रही, एक बच्चा आया, माँ
क्या ढूंढ रही हो? भाई मैं सुई खो गई, सुई ढूंढ रही हूं मैं। तो वो भी ढूंढवाने लग गया, ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया लेकिन सुई नहीं मिली। बच्चा बोला माता जी सुई तो नहीं मिली, कहाँ खोई थी? कि सुई तो भाई अंदर खोई थी। कि माता जी ऐसे तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन सुई नहीं मिलेगी, यहाँ खोई है सुई वहीं ढूंढो। कि माँ तो भाई अंधेरा हो रहा है, अंधकार है। कि भाई माँ अंधकार है तो माँ रोशनी करो, रोशनी करो सुई मिलेगी। तो भैया हमारे हृदय में अंधकार है, चित्त की शुद्धि हो, डरता भगवान में प्रेम हो, है न, तो बस यहाँ रोशनी की कमी है, रोशनी करी जाए। थोड़ी सी देर बोला गुरु जी वांछा कल्प ध्रुव कृपा सिंधु वे बचपति तनम पावने भ्यो वैष्णव भो नमो नमः। बोलने में शर्म लगती है, चक्कर है ना, बोले नहीं है कभी। थोड़ी थोड़ी बोलना आ जाए तो अच्छा है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद जयुक्त हो। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है जो पिछले कुछ दिनों से हम कथा श्रवण कर रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए, उसी क्रम में मैं कुछ बोलने की चेष्टा करूंगा। हमने पिछली बार श्रवण किया था कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज हैं उन्हें श्रृंगे ऋषि का श्राप मिल गया। श्राप मिलने के बाद में जब हम और भी कथाएं सुनते हैं महाभारत में सब जगह पर, अक्सर जब श्राप देता है तो उसके बदले में वो भी श्राप दे देते, तुमने हमको श्राप दिया हम तुम्हें श्राप दे दे, श्राप के बदले श्राप। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज ऐसा नहीं करते। परीक्षित महाराज जैसे कल हमारे पूज्यपाद मुरारी प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार वो शांत हैं और क्यों शांत हैं, उनके हृदय में कैसी वाली शांति का उन्होंने बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया था मुरारी प्रभु ने। इसलिए परीक्षित महाराज जो हैं वो एकदम शांत हैं, वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुए। अब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक बात बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो हैं उनमें इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि वो जो हैं जो श्राप दिया है श्रृंगे ऋषि ने उसको निरस्त कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, उसके फल को कोई श्राप का असर नहीं होगा उनके ऊपर में। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? भगवान की कृपा मान करके स्वीकार कर लिया। जैसे महाप्रभु की लीला में आता है, जब महाप्रभु समस्त परिकरों के साथ में जब शिवा सांगन में नित्य आदि किया करते थे, किसी बाहरी व्यक्ति का उसमें प्रवेश नहीं होता था, केवल महाप्रभु और उनके अंतरंग परिकर ही वहां पर नित्य कीर्तन होता था। जैसे हम एकादशी कीर्तन सुनते हैं कितना सुंदर महाप्रभु नित्य कर रहे हैं। एक समय कोई ब्राह्मण थे, वो उधर में घुसना चाहते थे, देखना चाहते थे। दूधाहारी ब्राह्मण जो क्या करते थे, दूध पर ही आश्रित थे, दूधाहारी केवल दूध पीने वाले, कुछ फलाहारी बाबा होते जो फिर फल खाते, कोई जलाहारी भी होते हैं जो पानी पीते, इसलिए कि दूधाहारी बाबा थे। उनको पड़ा कि मैं केवल दूध पर रहने वाला और तुम वैष्णव क्या चकाचक खाते हो,
और रात भर हा ही चिल्लाते हैं, और सारे गृहस्थ लोग हैं आजू बाजू में, सारा दिन मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो बेचारे रात में सोएंगे, खुद तो दिन में सो गए और रात में शोर मचा रहे, चिल्ला रहे हरि बोल हरि बोल। आसपास के पाषंडी लोग तो यही बोला करते थे, शिवासांगन के आसपास रहने वाले। तो वो जो दूधाहारी बाबा थे वो वहां पर प्रवेश करना चाहा, लेकिन महाप्रभु ने वहां पे उनको निरोध कर दिया, जिससे उन्होंने क्रोधित होकर के जनेऊ को तोड़ते हुए श्राप दिया महाप्रभु को कि जाओ तुम्हारा संसार नाश हो जाए, जाओ तुम्हारा संसार नाश हो जाए। अगर ऐसा कोई किसी को संसार में बोल दे वो तो बड़ा क्रोधित हो जाएगा, अरे भैया तूने तो हमारा सब बर्बाद कर दिया। लेकिन महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, महाप्रभु ने सहर्ष आनंद के साथ में उसे स्वीकार किया और आनंद में नित्य करने लगे। भक्तों ने पूछा महाप्रभु ये क्या लीला है, तो महाप्रभु बताते हैं देखो जिस संसार नाश के लिए ज्ञानी योगी इतने इतने साल तक तप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, हमारा देखो श्राप से ही काम हो गया, श्राप में ही काम बन गया। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी मिले प्रभु इच्छा से उसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जैसे ने पहले सुना था ये धर्म है, यही धर्म है, जैसे पहले सुना था कि जब वो तीन पग उस बैल के काट दिए थे, श्री गुरुपाद पद्म की जय, जब तीन पग उस बैल के वो कलियुग ने काट दिए थे, जब परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो वो नहीं बोले कि अरे मैं तो मर गया, अरे मेरे पैर काट दिए और मैं दुखी, नहीं, उन्होंने बोला कि ये जो भी हो रहा है सब मेरे ही विपाक, मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, जो भी मेरे साथ में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है। तो तुरंत समझ गया परीक्षित महाराज जी की जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है वो क्या है, धर्म ही हो सकता है, जितनी सहिष्णुता जिसके अंदर में है, जो किस सिद्धांत पे चल रहा है, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणं भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदैव। इस सिद्धांत पे व्यक्ति चल रहे, जो भी जीवन में कष्ट आ रहा है वो क्या है, मेरे ही कर्मों का फल है। ठीक इसी प्रकार जैसे महाप्रभु ने श्राप को स्वीकार किया, परीक्षित महाराज जी भी उस श्राप को स्वीकार कर रहे हैं कि भैया जय हो आप। मैं तो कहा, ये परीक्षित महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कहा मैं भी राज्य पुत्र परिवार में फंसा हुआ था, अब ऋषि का श्राप आया एकदम से मेरी आंखें खुल गई है। और क्या करा, भजन करने के लिए 7 दिन भी दिए हैं, 7 दिन, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी और ये समस्त जीवों को 7 दिन में ही मरना है। कथा सुना रहे थे ना उस दिन निताई प्रभु कि कैसे 7 दिन में ही मरना है, कौन सुना, गौर सुना रहे, 7 दिन में मरना है, 7 दिन ही सबके पास में है। इसलिए परीक्षित महाराज जी ने क्या करा, परीक्षित महाराज, और यहाँ पर एक और प्रश्न कि परीक्षित महाराज जी ने जाकर शमीक ऋषि से क्षमा क्यों नहीं मांगी। जब हम किसी के चरणों में अपराध कर देते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हम जाकर क्षमा भी तो मांगेंगे ना, श्राप मिल गया तो क्या हुआ। अक्सर हम देखते हैं नल कुबेर मणिग्रीव उनको श्राप मिला कि जाओ वृक्ष हो जाओ, तो तुरंत जैसी पेड़ बनने लगे तुरंत हाथ जोड़ के बोला बाबा माफ कर दो, तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हर जगह ये सुनने में आता है, वो उसमें जो हाथी गज का था उनके भी पूर्व जन्म में यही सुनने में आता, लेकिन यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज, लेकिन यहाँ पर ये परीक्षित महाराज जी ने जाकर के तो क्षमा नहीं मांगी। प्रश्न है कि क्यों नहीं मांगी। वहां पर गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी कि परीक्षित महाराज जी बहुत उच्च कोटि के वो वैष्णव है और वो जानते हैं कि अगर मैं उनके समक्ष जाऊंगा क्षमा मांगने तो वो निराश होंगे, दुखी हो जाएंगे कि देखो मेरे पुत्र ने क्या कर दिया, अनजाने में ऐसे राजा को श्राप दे दिया है जो इतना सामर्थ्यवान था जो कली को भी रोक सकता है, निरोध कर सकता है। हाँ, लेकिन वहां पर परीक्षित महाराज नहीं गए क्योंकि शमीक ऋषि जो थे उनको कष्ट होगा, इसको सोच करके वो वहां पर नहीं गए। अब जब 7 दिन का समय उनके पास में है तब परीक्षित महाराज जी ने क्या करा, जाकर के गंगा जी का आश्रय लिया, शुकताल में जाकर के गंगा जी की शरण वहां पर ले ली। अब यहाँ पर कहते हैं ये गंगा जी कौन है, तो बताया कि ये जो कृष्ण है के ही प्रेम अश्रु स्वरूप ये गंगा जी हैं। और पिछली बार जैसे बताया था कि भगवान के ही पद नख नीर जनित जन पावन, ये बावन देव के चरण नख के आघात से ही गंगा जी यहाँ पर इस जगत में प्रस्तुत हुई हैं। जो भगवान ने उनका जो जो चरणाभिषेक किया है वो ही ये गंगा जल है।
और हम सबने सुना, और जो भगवान की कोई भी वस्तु होती है वो भगवान से अभिन्न होती है। इसलिए भगवान का जो ये चरण, जो ये चरणामृत है गंगा, और भगवान के चरणों में कोई भी भेद नहीं है, एक ही है। जैसे भगवान का नाम और भगवान सब एक ही है, उसी प्रकार ये भगवान का चरणामृत तो एक ही है, और भगवान का हर एक अंग संपूर्ण है। इसलिए हम कहीं जाते हैं तो लोग प्रश्न करते कि भैया आपने जो ठाकुर जी हैं ये तो मुंह चला चला करके नहीं खाते हैं, ये तो बस देखते ही रहते हैं ऐसे विग्रह, ये तो नहीं खाते, तो क्या रहस्य है? इसलिए बोला कि भगवान की हर एक इंद्रिय संपूर्ण है, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य सकलेन्द्रिय अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। हर एक हम हमारी आंख से क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, एक ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने इन्हीं नेत्रों से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, मैंने सुना था शिल नित्य लीला प्रविष्ट ओम शिल भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज जी, जगन्नाथ जी को जाते जगह क्या करते, जब रथ यात्रा पे निकलते दूर से निकाल करके नारियल फोड़ा, ये दिखाया, तुलसी पत्ता दे करके जय जगन्नाथ और माँ प्रसाद की जय, बस देखने मात्र से भोग लग जाते, दृष्टि भोग, जगन्नाथ जी दृष्टि भोग। क्या हमारे आंखों से हमारा पेट भर जाएगा, भोग लग जाएगा? नहीं, लेकिन भगवान की हर एक इंद्रिय संपूर्ण। क्या कोई 6 दिन का बालक क्या इन होठों से कितनी बड़ी पूतना को मार सकता है, 10,000 के हाथियों का बल रखने वाली? नहीं। लेकिन कृष्ण ने क्या करा, उन्हीं कोमल होठों से है अधरों से क्या करा, पूतना का वध कर दिया, उसके प्राण को ही भगवान वहां पर शोषण कर ले गए। इसलिए बताया कि भगवान की हर एक इंद्रिय संपूर्ण है, हर एक इंद्रिय से हर एक इंद्रिय का काम भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरण सब कुछ कर देने वाले, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वया ताते खान विश्राम लभिया छड़िनु भावेर भाई। भक्ति विनोद ठाकुर यही बस यही बात को बता रहे हैं शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी। अभय पाना चाहते हो तो क्या करो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लीजिए। इसलिए परीक्षित महाराज जी ने भी क्या करा, भगवान के चरण स्वरूप ही गंगा जी का आश्रय जाकर सुप्ताल में ले लिया। जैसे ही उन्होंने अन्न शन व्रत धारण करके मरणोपरांत तक अन्न शन रहेंगे, कोई ना अन्न ना जल, कुछ भी नहीं धारण, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, और जब जाकर के वहां व्रत लेकर के जब प्रस्तुत हुए हैं, देखते ही देखते 88,000 ऋषि मुनि वहां पर आ गए। जैसे इतने सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अरे ये तो श्राप नहीं लगता, ये तो वरदान है, एक साधु का दर्शन मिलना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। इसको लंकिनी क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुलाय कंक तुल न सकी सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लब सत्संग की इतनी महिमा है, और कितने साधु चले आए यहाँ पर, 88,000, इतने सारे साधु। परीक्षित महाराज बोल रहे मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि साधु जो होते हैं वो किसी के घर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, क्यों जाते हैं, महद विचल नाम निनाम गृणाम दीन चेत साम निश्रेषाय भगवान अन्यथा न कल्पितो कचित, केवल उस पे कल्याण करने के लिए, भक्ति देने के लिए ही ये जो वैष्णव मात्र जाते हैं। हाँ, इसीलिए सारे वैष्णव वहां पर चले आए, इसलिए महा भगवान की आज्ञा से जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। जो साधु होते हैं वो वैष्णव होते हैं, वो कृपा करने भी किसकी आज्ञा से जाते हैं, वो भगवान की आज्ञा से ही जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना, महाप्रभु ने क्या बोला, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, जार देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु भैया तारो देश। किसकी आज्ञा है, अमार आज्ञा गुरु भैया तारो देश। इसलिए वैष्णव जा भी रहे हैं, किसकी आज्ञा से जाते हैं, भगवान की, गुरु जी की आज्ञा से जाकर के जीवों पर कल्याण करते हैं। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके, अरे बाबा क्या मेरा सौभाग्य है, एक साधु मिलना इतना कठिन, और इतने सारे साधु सबके चरणों में प्रणाम करके वो तो बड़े भाव विभोर हो गए, और उनसे प्रश्न करते हैं कि मेरी जो है बड़ी
मेरी क्या पुण्यवान में व्यक्ति हूँ, इतने सारे साधुओं का मुझे दर्शन हो गया, इसलिए आप लोग क्या करो, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे भक्ति हो, साधु संघ हो। परीक्षित महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सबके सामने क्या प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे देवी हो देवता हो, सब जगह हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। केवल एक चीज की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति और साधु संघ की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए बोला ना, सकल ब्राह्मण मोरे करी, क्या था, सकल ब्राह्मण कृपा करो मोर प्रति, वो कृपा करके क्या बोलो, बोला वैष्णव चरणे मोर देह दृढ़ मति, कि समस्त ब्राह्मण क्या करो, मेरे ऊपर कृपा करो, और कृपा स्वरूप क्या करो, जो वैष्णव है उनके चरणों में मेरी दृढ़ मति प्रदान कर दीजिए, ऐसा कर देते हैं। जिसको एक बहुत सुंदर एक कवि है जिनका नाम है कवि कुलशेखर, जिन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र नाम का बड़ा सुंदर ये कविता वाली लिखी है, उसमें उन्होंने बोला मद जन्मम फलम इदम मधु कैठव हारे, फिर क्या बोला, मम मद मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एश एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्यम इति माम स्मरम लोकनाथ। बोला हे लोकनाथ, हे प्रभु, हे ठाकुर, आप क्या कीजिए, आप मुझे अपने दासों का दासों का दासों का दास मुझे बना दीजिए। आप कौन है, मधु कैटब का हरण कर देने वाले, उनका वध करने वाले आप हैं, इसलिए मुझे एकमात्र एक क्या कर दो, किस रूप में मेरे को स्मरण करो, मुझे याद करो कि मैं क्या हूं, आपके दासों का दासों का दासों का मैं दास हूं। जिसको महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयो दासानु 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 दास, जिसको जो वृत्रासुर है स्वयं चित्र केतु महाराज वो क्या कहते हैं, अहम हरे तव पादे कुमूल दासानुदास भवितास्मि भूया मन स्मृतासु पतेर्गुणस्ते प्रणीत वाक कर्म करो तु काया। और अंतिम श्लोक में मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, जो उत्तम श्लोक के जो प्रिय जन है उनसे क्या करो, मेरी मित्रता करा दो। क्या बोल रहे, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए जो सनातन गोस्वामी जो है उन्होंने क्या प्रार्थना करी, शिव जी से, क्या हो गया टाइम, 2 मिनट, शिव जी से क्या प्रार्थना करी, और गोपियों ने क्या, कात्यायनी देवी से क्या प्रार्थना करी, कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पति में कुरुते नम, कात्यायनी क्या करो, भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम ही मांग रहे, कोई फालतू बात नहीं मांग रहे, जो सब लोग क्या मांग रहे सब। और वो प्रहलाद महाराज क्या बोले, मही असाम पाद रजोभिषेक, रघुगण महाराज क्या बोल रहे, बिना महत पाद रजोभिषेकम, सब ने केवल साधु संघ की ही वहां पर प्रार्थना करी है। यहाँ पर शिक्षा दे रहे परीक्षित महाराज जी, और सनातन गोस्वामी ने क्या बोला, शिव जी की जो स्तुति करते हुए क्या बोलते हैं, वृंदावन नहीं, हाँ, श्रीमद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरम देव वृंदारण्यम रति पदम, वो भक्ति की कृपा प्रार्थना करें। ये सब ने ये सारा वृत्तांत ये सब प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं, गुरु जी ने बात बताई थी हमें पहले, बड़ी सुंदर सुंदर बात है, साधु संघ की महिमा है। इसी प्रकार जो परीक्षित महाराज जी जो है वो भी इनसे क्या कह रहे हैं, उनसे प्रश्न किया, समस्त ऋषियों से प्रश्न किया कि जीव मात्र का एकांतिक श्रेय क्या है, जीव मात्र को क्या करना चाहिए। और एक चीज, एक प्रश्न और पूछा कि अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति है, जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न उन सभी ऋषियों से किया, किसी ने दान बोला, किसी ने यज्ञ तप, बड़े भांति भांति के उपाय बताए, कोई एक उपाय बताता था दूसरा उसका खंडन कर देता था। इस प्रकार से बहुत देर तक ये बात चर्चा चलती रही और अंत में जाकर के परीक्षित महाराज ने स्वयं ही सोचा कि बोला कली में क्या है कि भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ, भगवान की कथा और भगवान का नाम ये सभी होना ही चाहिए। वो मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की कथा मुझे श्रवण करनी है और भगवान की प्रार्थना करें, फिर कैसे सुखदेव गोस्वामी आएंगे, आगे की बात बताएंगे, हम आगे बताएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। ये कथा ना एक सीरियल रूप से सब लिखो, जब प्रथम सीरियल पर लिखो कथा बरासी
ଏଠି ନକଲେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି କହିବେ, ସେଠି କହିଲେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନି। हरे कृष्ण जी। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, दो तरह के लोग हैं, एक तो बुद्धिमान है और एक अल्प बुद्धिमान है। कहते जो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति है, कहते कामस्तस्ते हृतज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, वो कामना वासना के द्वारा इनका बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है, ये अलग अलग देवा देवियों को अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हैं अकाम सर्व काम बा मक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो व्यक्ति सुबुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति बड़े इंटेलिजेंट बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो इधर उधर देवा देवियों को पूजा नहीं करते हैं, कामना वासना छोड़ करके हो नहीं तो कामना वासना ले करके भी हो, यहाँ तक भी मोक्ष काम के लिए भी हो, किसको पूजा करनी चाहिए? केवल भगवान कृष्ण को, राम को, जगन्नाथ जी को, नारायण को पूजा करनी चाहिए, हैं? और इधर उधर देवा देवियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले कारण क्या? कल हम सुन रहे थे ना, साधारण लोग समझते हैं भैया जो मुक्ति कामना चाहते हैं वही तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन तो हम घर गृहस्थी है, हमको तो स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत ये सब चाहिए हमें, हैं? कहते भैया अगर चाहिए भी तुम पूजा किसको करो? भगवान को करो। चाहिए भी उनपे ही करो, दूसरे देवा देवी को पूजा मत क्या करो। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण ही जैसे दूसरे दूसरे देवा देवियों को जो वस्तु, जैसे रावण, नाम सुने हो रावण का? कौन कौन रावण का नाम जानते हो? हाथ उठाओ तो सब जानते हो। इसलिए ये रावण ने, इसका एक नाम है दशानन। क्या नाम है? दशानन। दस उसका सर था। उसने शंकर जी को खुश करने के लिए क्या किया? दस बार अपना गला को काट करके शंकर जी को प्रदान किया। इतना कष्ट कोई कर सकता है? अपना सर कोई काट कर दे सकते है? नहीं दे सकते। लेकिन इतने कठोर तपस्या किया। हिरण्यकश्यप का नाम सुने हो? 60,000 साल एक अंगुल पर खड़े होकर भजन किया है। इतने कठोर साधन भजन किया है इन लोगों ने, इतने साधन भजन किया, लेकिन ये दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा की है, शंकर जी को पूजा की, इधर उधर देवा देवियों को पूजा की, लेकिन उनको कृपा से कुछ वस्तु मिला है, लेकिन ये मिलने पर क्या हुआ? सबके सब ध्वंस हो गए। शंकर जी समय हनुमान जी लंका को जला रहा था, किसने कहा क्यों भोले बाबा तेरे शिष्य का देखो ऐसे तैसे हो रहा है, तेरे शिष्य की, उनका शिष्य है ना रावण, देखो घर कैसे, हाँ कैसे धो धो करके कैसे घर जल रहा है। शंकर जी कहते जो राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, जो भगवान से भक्ति से विमुख हो जाते हैं भैया, उनको कभी सुख जीवन में नहीं मिलता, उसका यही दुर्गति है।
पूजा किया शंकर जी को। हनुमान जी कौन है? शंकर है, हनुमान जी शंकर ही है। कहते रुद्र देह तेजी नेह बस बानर भये हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से भगवान की सेवा नहीं होगा, स्वयं शंकर ही हनुमान बन करके आए और जिसको पूजा कर रहा है वही जला रहा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर की बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले प्रभु रे लंघिया जेवा दास्य भक्ति करे, पूजा खाई सही प्रभु तहारे संगारे। कहते जो भगवान को छोड़ करके प्रभु रे लंघिया जेवा भित्ते सेवा करे, जो भगवान को उल्लंघन करते हुए उनकी नौकरों को पूजा करते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम यथा संभो, शंकर भगवान की प्यारे भक्त शंकर जी है, हैं? लेकिन जो प्रभु को छोड़ करके उनको भृत्यों को सेवा करते हैं वो क्या करते हैं? उसका भोग खाता है, खूब पूजा करता है, खूब भोग खाता है, लेकिन उसको खा करके उसको ही संहार करता है। शंकर जी उसका ही सेवा ग्रहण किया लेकिन स्वयं हनुमान रूप में लंका को जला रही। इसलिए यहां पर कहते हैं अगर भक्ति करना तो इधर उधर देवादेवी को पूजा मत करो, करना तो भगवान की भक्ति करो। बल्कि क्यों, एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे एक बच्चा अपना माँ को पास में जाए, बोले माँ मेरे को 100 रुपया दे दे। बोले मैया, बोले क्यों? बोले जहर खरीद करके मैं खाऊंगा, मैया पैसा देगी? एक थप्पड़ मारेगी? हैं? बोले कोई 20 खाते हैं? 20 कोई खाने का चीज है? 20 माँ अगर थप्पड़ देगी लेकिन क्या दे? बोले ले खा, कचौड़ी खा, लड्डू खा, हैं, चाउमीन खा, और क्या खा? इडली डोसा सांभर, हैं, बढ़िया, ये बढ़िया बढ़िया चीज खा, 20 क्यों खाओगे? लेकिन एक बच्चा अगर 100 रुपया लेकर किसी दुकान में जाए, मेडिसिन दुकान में, अगर जहर 100 रुपया दे और 100 रुपया की जहर मांगे, बताओ वो देगा कि नहीं देगा? दे देगा, वो दे देगा ना, उसको पैसा से मतलब है, उसको और किस चीज से मतलब नहीं है। 100 रुपया की जहर बोले ले लो, दे लो, है, इसलिए वो दे देगा। बोले कारण क्या है? बोले कारण है इसको साथ में दुकानदार का कोई संबंध नहीं है, इसको कोई ममता नहीं, लेकिन माँ वो अपना माँ है होने का नाते वो क्या करेगी? वो नहीं देगी, वो तुमको लड्डू कचौड़ी मिठाई खिलाएगी। हाँ देखो यही चीज समझा रहे हैं, जैसे रावण ने शंकर जी से मांगे दुनियादारी, जैसे कुंभकर्ण ने, हमारे कुंभकर्ण और श्री, हाँ इसलिए, हाँ इसलिए इन लोगों ने क्या किया, हाँ हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके मांगे, उन्होंने नहीं किया, हिरण ले ले, हाँ ले जो कुछ मांगना ले, उन्होंने मना नहीं किया। क्यों? इनसे हमारी कोई संबंध नहीं, ये हमारी कुछ लगी नहीं थे। लेकिन भगवान कौन है? तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण, तुम्हें तुम्हें सर्वम। भगवान हमारी माँ है, बाप है, हमारी भाई है, बहनी है, वो हमारी कल्याण जानते हैं। इसलिए जैसे ध्रुव महाराज जी भगवान को तो उपासना की, लेकिन किस लिए उपासना की? मेरे को राज्य मिल जाए, मेरे माँ राजमाता बन जाए, इसलिए की। लेकिन जब भजन करके जब भगवान सब संतुष्ट हो गए, क्या हुआ? उसका हृदय निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गया उसको। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, इसलिए आपको धन दौलत परिवार इसको मांगने के लिए आए, अगर कोई काज ढूंढते ढूंढते उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में इसे कौन सा मूर्ख होगा जो कि पारस पत्र छोड़कर काज को ग्रहण करे। ये भगवान भजन की विशेषत्व है। इसलिए कहते भैया भक्ति करना तो इधर उधर देवा देवी को भक्ति मत करो, मना कर देते हैं। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सुतो गोस्वामी कहते हैं आयुर हरति वै पुंसांग उद्यान अस्तंत जन असो तस्य रीत जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। इसलिए कहती जो सूरज नहीं ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है और हमारे धीरे धीरे हमारे सारे परमायु को ये नष्ट कर रहा है, हैं? लेकिन किसका परमायु सार्थकता है? बोले तस्रीते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। भगवान की भक्ति में, भजन में, उनकी कीर्तन कथा में ही जितने समय
हमारे अतिवाहित होता है वही समय ही बच जाती है और सारे समय हमारे नष्ट हो जाती। तो इसको पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं। से विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि तो भैया क्या बोले कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण कथा श्रवण विषय विलम्ब करा उचित नहीं। कहते भगवान की कथा सुनने के लिए विलम्ब मत करो, जितना समय हो भगवान की कथा ही सुनो। बोले कथा क्यों सुने, कारण क्या? बोले कारण आयुर हरति वही पुंसान, ये जो सूरज नहीं ये काल है, ये हमारे हर पल पल को ये छीन रहा है, पल पल को ये खत्म कर रहा है, ये पल पल को हमारी नष्ट कर रहा है ये काल। इसलिए भगवान की कथा केवल सुनना, तो भगवान की कथा ही श्रवण करो। जैसे कहते निमेषार्ध क्षण काल कृष्ण, कथा द्वारा आयु सफल है। इसलिए अगर थोड़ी सी समय भी हमने भगवान की कथा सुन लेते हैं, कहते ना जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च न तु कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। अगर 5 दिन भी भगवान की भक्त बन करके अगर 5 दिन भी भगवान की भक्ति करते हो, बस वही 5 दिन ही तुम्हारी सार्थकता है। लेकिन न तु कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे, अगर भगवान से भक्तिहीन होकर के अगर कल्प तक अगर वास करते हैं, उस समय का कोई महत्व नहीं। इसलिए क्षण काल भी भगवान की कथा सुनते हो उसमें भी जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे एक वृक्ष है, जैसे आम का वृक्ष हो नहीं तो पपीता, कोई वृक्ष होता है ना, आप देखना जब कोई वृक्ष हो, अगर पहला साल हो गया, अगर कोई आम का वृक्ष हुआ लेकिन इसके एक आम आया है, फिर इससे पता क्या चलता है, ये जो वृक्ष है फलदार वृक्ष है। कोई भी वृक्ष हो, पहले अगर 1-2 फल फला लेकिन पता क्या चलता है, ये फल देगा भविष्य में, ये फल देने वाले हैं, हैं? अगर एक टहनिया में एक फल फला तो हमसे फलदार, अगर पूरा का पूरा वृक्ष में अगर फल ही फल दे दिया तो वास काम ही बन गया। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ कहते हैं ए रूप सकल समय कृष्ण कथा तो अतिवाहित होनी चाहिए। अगर थोड़ी समय अगर भगवत भजन में अगर मन हमारी समय लगे, अगर उसी से ही जीव का धन्य हो जाते हैं, अगर हर समय हम भगवान की कथा भगवान की कीर्तन अगर भजन में लगते हैं, फिर तो कहना क्या है। हाँ देखो छोटी सी कथा सुन लो, ये प्रभुपाद का कोई एक शिष्य थे, उन्होंने सुनाया था, ध्यान देकर सुनो। बोले कोई एक कथा याद लगे, देखो ये छोटी छोटी जो कथा है ना, जैसे कहीं कथा करते हो जब ये भागवत की महात्मा में ये कथा सुनाते हो ना, लोगों को बड़े लोभ होता है, अरे अनजान में भी कथा सुन लिया तो इतना लाभ हो गया है। इसलिए छोटी छोटी कथा को याद कर लेना। बोले एक समय ये प्रभुपाद का भी इससे सुनाए थे, कहते एक समय कोई एक फेरी वाला था, जैसे गांव गांव में पहले फेरी वाला होते थे, एक गांव से दूसरे, अगर फेरी वाला चलते चलते किसी गांव में गया, रात हो गया, बोले आज यहीं पर रुक जाता हूँ, कल से शुरू करूँगा। पूछा यहाँ पर कहीं व्यवस्था क्या है, रात को विश्राम करना चाहता हूँ। हर गाँव गाँव में पहले भगवान का कोई एक मंदिर होता था, अगर कोई अतिथि आते तो उसी मंदिर में रहते थे, बोले इसी मंदिर में अब रहो। लेकिन पहले क्या नियम, जो गांव में तुम लोग पता होगा, गांव में ना शाम को पहले तो टीवी ना था नहीं, स्मार्टफोन था नहीं कुछ, तो गांव के लोग क्या करते थे, शाम को इकट्ठे होते थे, हम भी अपना गांव में यही सही हम भी कीर्तन करते थे, गाँव के लोग शाम को इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर थोड़ा हरि कीर्तन करते थे मृदंग मजरा से, और थोड़ी समय वहाँ हरि कथा होती थी, रामायण हो भागवत हो महाभारत हो वहाँ पढ़ाई होती थी। वो व्यक्ति तो दिन भर काम करते करते थक गया था, जब सोने के लिए गया बस गांव के लोग आ गए, आ करके मिद्रा मजरा मृदंग ले आए, ला करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी गाँव के लोग कीर्तन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो फेरी का काम कर दिया, थक गया था, सोने के लिए जा रहा था, कीर्तन करना शुरू कर दिया, जब सब कीर्तन कर वो सोए कैसे, मजबूरी से उसको थोड़ा बैठ करके ताली बजा कर कीर्तन करना पड़ा।
फिर देखा वहां पर फिर रामायण शुरू हो गया है। जैसे लोग एक बैठ कर रामायण कथा करते थे, वहां बैठ कर सुनते थे, बोले भगवान ये कहां से फिर आपदा आ गया है, फिर रामायण शुरू हो गई। अभी उस एक दीवार में सहारा दे करके है, बोले तो बेकार अपना टाइम पास करना, इसे तो कुछ काम होने वाला ही नहीं, इसलिए दीवार में इसे सहारा दे करके बस सब सुनते रहे, ये भी सुनते रहा, लेकिन बेमन से सुनते रहा, इससे तो कुछ काम नहीं, हम तो सोने जा रहा था। अभी एक घंटा खत्म हो गया, उसको बाद भी जब सब चले गए बोले भैया अच्छे हाँ चैन मिला है, फिर उसमें सो गया। जब सो गया कुछ दिन बाद में उसका मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर हम जो काम करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत हमको लेने के लिए आते हैं। अभी तो गला में फांस लगा करके गर्म रेतियों के ऊपर घिसट हुए और कुत्ते सियार काटते हुए उसको ले गए जमपुरी में। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, इसका हिसाब किताब करो किया पाप और कितना पुण्य किया। जब उसने कापी खोले बोले महाराज जी तो कोई पुण्य किया ही नहीं, वो गाँव गाँव में फेरी का काम करता था, झूठ बेईमानी करके पैसा कमाता था, इससे ही पेट पालता था, बोले उसका तो कोई पुण्य है ही नहीं। बोले भैया ठीक से तो देखो, थोड़ी बहुत तो कुछ होगा। बोले हाँ इसका तो थोड़ी सी पुण्य है। बोले क्या? बोले किसी गांव में जो पहुंचा था मंदिर में सोने जा रहा था, वहाँ कीर्तन हो रहा था, वो थोड़ी समय उसने कीर्तन किया है, फिर वहाँ पर रामायण की कथा हुई, लेकिन एक घंटा कथा मजबूर से सुना लेकिन भक्ति से नहीं सुना, वो दीवार में सहारा दे करके आधा सोते और आधा जगते हुए सुना, इतना ही पुण्य और कोई पुण्य है ही नहीं। इसको पूछे भैया ये बताओ तू पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे? बोले पाप तो है ही है इतना बहुत सारे, मैंने सब पुण्य थोड़ी सी है, इसलिए थोड़ी सी पुण्य हमें पहले दे दो, फिर जो कुछ होना नरक जाऊंगा। बोले एक घंटा कथा सुनी कीर्तन में बैठा, इसलिए उसको एक घंटा स्वर्ग में भोगा करके ले आ है। जब उसको ले गए जमदूत, वहां पर जो पहरादारी थे ये बोला हमारा आसामी, उसका एक घंटा भोगा करके हमारे पास में वापस दे देना। तब तो जो स्वर्ग में पहुंचा वहां पर रंभा उर्वशी मेनका ये क्या क्या सुंदरिया, और वहां पर सुधर्मा सभा, वहां पर पारिजात पुष्प नंदन कानन देख देख करके बोले ये क्या है, कभी सोचा ही नहीं इतना भाई साहब, ये लाइट वाइट नहीं, वहां पर एक मणि की ज्योति, और यहाँ तो ईट पत्थर सोने वहां बनी हुई, स्वर्ग है उसको तो यहाँ से जितना आनंद 100 गुण आनंद वहां पर है। अभी वो घूम रहा था, उसको पता कितना समय के लिए गया, कितना घंटा समय के लिए गया, एक घंटा के लिए। बोले एक घंटा बाद में तो चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। बोले एक घंटा थोड़ा घूम लो यहाँ पर क्या होता है। हठात उसने देखा एक तरफ में कोई जा ही नहीं रहे हैं, सबके सब भोग में मस्त है। बोले इधर क्या, जब उस तरफ में गए वहां पर देखा उपेंद्र, उपेंद्र कौन है, वामन देव इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र, स्वर्ग है स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए लिखा वहां पर देखा भगवान उपेंद्र है। उधर कोड़े में वहां पर चतुसन बैठे हुए, और वहां पर जो सात्विक संपन्न जो लोग है वहां पर भी बैठ कर कीर्तन और वहां पर भी हरि कथा हो रही थी। उसको हठात याद आया ये चित्रगुप्त तो बोला था मैं कहीं एक घंटा कीर्तन कथा में बैठ गया था, इसलिए मेरे को ये एक घंटा स्वर्ग मिला, लेकिन यहाँ भी देख रहा हूँ भैया यहाँ भी कीर्तन हरिकथा हो रहा है, अगर यहाँ एक घंटा और बैठ जाए ना मेरे को 2 घंटा हो जाएगी है। इसने चतुराई करके वो गया नहीं स्वर्ग भोगा नहीं, बस वहीं पर बैठ गया, बैठ करके सब कीर्तन कर रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय वो भी कीर्तन करना शुरू कर दिया, और सबके सब कथा सुन रहे थे वो भी हरि बोल करते करते कथा सुन गया। इतने में एक घंटा जब बीत गई लेकिन उसने देखा कोई लेने के लिए नहीं आ रहे, उसको समझ गए इसका जरूर कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि एक घंटा बाद में तो जाने का था लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो उठेगा क्या, जम करके बैठ गया यहाँ से जाना नरक ले जाएंगे उसके बाद में। अभी जो ले आए थे जमदूत बोले भैया हमारे आदमी को वापस दो, एक घंटा हो गया, वो ढूंढे कहाँ गया, वो मिल नहीं रहा है। बोले भैया गया था, क्यों सब लोग भोग में लिप्त हो जाते थे लेकिन वो तो भोग भोगा ही नहीं। ऐसे घूमते घूमते जब उधर गए ना देखा वो हरि कथा में बैठा हुआ, हरि बोल कीर्तन कर रहे हैं। कि जो भगवान की कथा में बैठते हैं कहाँ बैठते हो? बोले भगवान की गोद में बैठे हो, ठाकुर का गोद में बैठे हो, यहाँ हरि कथा जो है ना ये भगवान की गोद में बैठे करके कथा सुन रहे हो। किसका हिम्मत है जो हरि कथा से उठा करके ले जाए, जैसे हम लोग को कथा सुन रहे हैं ना, अगर इसी समय किसका मृत्यु आ जाए
जब तक ये कथा होगा ना, यहाँ पर जमदूत नहीं आएंगे लेने के लिए, हैं? जमदूत यहाँ नहीं आएंगे तुमको लेने के लिए, जमदूत वापस चले जाएंगे, हैं? हमारे ये प्रभु जी कथा सुना रहे थे, हमारे जो बूढ़े प्रभु ना सच्चिदानंद प्रभु जी, एक अच्छी बात सुना रहे थे, बोले उनको गांव में ना एक व्यक्ति हैजा में एकदम से मर गया, जैसे हैजा में एकदम हैजा हो गया, पहले तो इतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन एक कोई कीर्तन करने वाले थे, बोले चलो हम सब के सब वहाँ कीर्तन करने के लिए ले जाते हैं, कीर्तन में बड़ा प्रभाव है, हैं कीर्तन में सबके सब लोग कीर्तन करते 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 गए, आए वो व्यक्ति को पास में, खूब हरि कीर्तन किया, हरि नाम किया, बाद में जिंदा हो गया व्यक्ति, मरते हुए व्यक्ति जिंदा हो गया। इसलिए भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है, ठाकुर का नाम में है सर्व सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व उपद्रव समनम, कहते सारे व्याधि सब उपद्रव, अभी जैसी ये करुणा है ना, अगर सारा दुनिया के लोग हरि कीर्तन करना शुरू करे, ये सारे करुणा प्रणा भाग जाएगा। ये शास्त्र कहता है शांतिदम सर्वारिष्टम, ये शांति देने वाले और सारे अरिष्ट को सारे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हरे नामानुकीर्तनम, हरि नाम कीर्तन बड़ा शक्ति है। अभी जमदूत तो अभी जो व्यक्ता तो भगवान की कथा में बैठा है, वो तो कथा में बैठ कर किसका हिम्मत है कथा से उठा कर ले जाए, भगवान की कथा से वो उसने वापस गया, बोले भैया वो जो स्वर्ग आया था किस लिए, बोलो एक घंटा सत्संग सुना था, बोलो अभी तो वो स्वर्ग भोगा ही नहीं, वो सीधा तो सत्संग में बैठा, हरि कथा में बैठा। भैया जो ठाकुर को कथा में बैठते हैं हम उसको ला नहीं सकते, वो भगवान की कथा मतलब ठाकुर ही, इसलिए बंगला में कहते हरि कथा है, बोले हरि कहाँ पर है, बोले हरि कथा है, हरि तो केवल अपना कथा में ही हरि रहते, और कृष्णा मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि, नारद भगवान खुद कहते हैं ये बात को, जहां मेरी कथा कीर्तन में वहीं पर रहता हूं, इसलिए हम ला नहीं सकते। उन लोगों ने दो घंटा तक बोले, एक घंटा और सुन लिया ना, दो घंटा हो गया स्वर्ग अभी, और दो घंटा इंतजार किया, बोले वो व्यक्ति उठा कि नहीं, बोले वहीं कोई को बैठा हुआ अभी भी बैठ गया, बोले हाँ उसने तो देखा जब कोई आने लेने नहीं आ रहे ना, जम करके बोले यहां से उठना नहीं, चोटी पकड़ कर नरक ले जाएंगे। इसलिए अभी जमदूत वहां पर खड़े होते होते एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा, बोले भैया कितना समय और खड़े वो तो कथा से उठ नहीं रहे, वो वापस चले गए, लेकिन इसका फल क्या हुआ, बोले श्रीणताम श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अभद्राणी विधुनती श्रुईद सताम, सुन्नताम श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, जब भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं विधुनती, हृदय का जितने मैला खत्म हो जाती है, हाँ? उदाहरण देते हैं, जैसे आपका घर में अपना कोई प्रिय मित्र आए, लेकिन एक कुर्सी पड़ा हुआ जिसमें धूल है, अगर प्रिय मित्र है ना वो नहीं बोलेगा मित्र तू पहले साफ कर मैं बैठूंगा, वो क्या करेगा अपना रुमाल निकाल करके वो कुर्सी को खुद साफ करके बैठ जाएगा। सबसे हमारे प्रिय मित्र कौन है, भगवान हमारे प्रिय मित्र है, हैं? वही हमारे प्रिय है। कथा जब सुन रहे हैं कर्ण को माध्यम से ठाकुर जी हृदय में जाते हैं, और हृदय में जा करके विधुनती, हृदय में जितने गंदगी उनको साफ करके ठाकुर जी बैठ जाते हैं, कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, फिर भगवत धाम से रथ आया, रथ बैठ करके सीधा ठाकुर के पास में चलेंगे। निताई गौर प्रेमानंद। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं, ये टीका में विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, कहते हैं अगर पेड़ का एक शाखा में अगर एक फल फला तो इसका मतलब क्या, पूरा शाखा में फल फलने वाले, मतलब थोड़ी सी अगर भगवत कथा श्रवण करके अगर इतने इसकी महिमा हो सकते हैं, जो व्यक्ति हर समय कथा सुनते हैं उसका क्या फल नहीं होगा। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कद यदि ऐ रूप है श्री कृष्ण कथा द्वारा सही क्षणे लोक मरीवे ना, कहते श्री कृष्ण कथा को जो सुनते हैं वो कभी मरेगा नहीं, वो नहीं मरेगा। इसलिए कहते जमन सत पात्रे धन दानकारी व्यक्ति अख बीत बोला है, उदाहरण देते हैं जैसे आपका धन है, अगर आपने धन को सचमुच से कहीं सत पात्र में प्रदान किया, अच्छे व्यक्तियों को प्रदान किया,
जिसने तुम्हारी धन को लेकर के क्या किया, सचमुच से ठाकुर को सेवा में लगाए, वैष्णव को सेवा में लगे, उसका फल क्या है, बोले अक्षय फल है। इसलिए भागवत में कथा आती है, किसकी कथा आती है, नृग महाराज की कथा आती है। जानते कि नहीं नृग महाराज की कथा है। इसलिए इन्होंने केवल गैया दान देते थे, गैया दान देते थे, लेकिन भूल से जो गैया को उन्होंने संकल्प करके दिया, कैसे वापस आया, दूसरे गैया से मिल गया, फिर उन्होंने अनजान में वो गैया को फिर संकल्प करके दे दिया। दोनों ब्राह्मण में लड़ाई हुई, बोले ये मेरी और तेरी करते 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 आए, राजा देखा गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जिसको एक बार तुम संकल्प करके दे दो, फिर दूसरे को संकल्प करके दो बार नहीं दे सकते हो, ये अपराध, समझ गए मेरी अपराध हो गया है, माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, बोले ये गैया को छोड़ दो एक और 10 गैया ले लो। बोले नहीं, वो अपना बात पर अड़ गए ना, बोले 100, बोले यही, बोले 1000 गैया देता हूँ छोड़ दो, बोले यही, बोले करोड़ों गैया, बोले नहीं यही चाहिए। लास्ट में क्या हुआ, बोलो गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, दे करके फिर दो बार दान दिया, गिरगिट बनना पड़ेगा हैं। लेकिन फिर कृष्ण दर्शन कैसे हुआ, जब गिरगिट बना पड़ा हुआ था कुएं में, जब कृष्ण का चरण स्पर्श हुई, जब सुंदर राजा बन करके प्रकट हुआ, कथा जानते कि नहीं, कथा को सुनी कि नहीं, हाँ कथा सुनी, जानते कि नहीं तुम लोग कथा को, हाँ इसलिए 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 उन्होंने जब सुंदर देवता रूप में प्रकट हुआ, कृष्ण का बच्चे बोले ये गिरगिट बना हुआ था और इतने सुंदर बन गया। कृष्ण पूछे ये क्या बात है, बोले प्रभु आप क्या नहीं जानते, आप तो मालिक हो दुनिया की, जब पूछ रहे हो, ये बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने बता दिए हैं। पहले मैं नृग नाम का राजा था, बोले नृग सत्य युग में तो सबसे बड़े दानी, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद कोई गिन सकते हैं, लेकिन इनकी दान को कोई नहीं गिन सकते हैं। इतने गैया, जो गैया केवल एक बछड़ा दिया, कैसे सींग को सोने में मढ़वा करके, खुर को चांदी में मढ़वा करके उन्होंने दान दिया, इतने उन्होंने दान दिया। लेकिन फिर ऐसे क्यों हुआ, गलती से हो गया। लेकिन कृष्ण दर्शन कैसे हुई, कृष्ण का चरण स्पर्श कैसे हुआ, भले इनकी आदत में थी, क्या आदत में थी, दान देना। किसी समय कोई एक सचमुच से कोई शुद्ध साधु आए, तो उन्होंने उनको बैठा करके भोजन करवाया, भले आपको कुछ चाहिए, भले अगर एक भागवत ग्रंथ देते तो भागवत ग्रंथ पढ़ने का इच्छा, तो उन्होंने ताल पत्र में लिखवा करके पूरी 18,000 श्लोकों को उन्होंने दिया। और वो संत क्या करते थे, रोज ये भागवत पढ़ते थे। भागवत कौन है, कृष्ण स्वरूप ये भागवत है, साक्षात कृष्ण को दिया। केवल एक दिन एक शुद्ध साधु की सेवा और एक भागवत दान का फल क्या हुआ, कृष्ण दर्शन। लेकिन उन्होंने जो इतने गैया उन्होंने दान किया, फल क्या हुआ, गिरगिट, उसको गिरगिट बनना पड़ा। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है वो जो ब्राह्मण लोग थे ना, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अगर कोई साधु ब्राह्मण होता है ना, उनको विषय पर सोचते नहीं, भैया इनकी गलती से हो गई, गलती से हो गई, ठीक है कोई माफ कर देते हैं, भैया गैया छोड़ देते हैं। लेकिन वो कौन सा साधु थे, वो साधु ब्राह्मण थे नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इसलिए उसको विषय पर कोई सोचा नहीं और अपना जीत पर अड़ गए, अपना जीत पर अड़े। लेकिन उनकी क्या गति होगी उसी विषय, इसलिए कहते भैया यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, जैसे कोई सतपात्र में जब कोई वस्तु को दान देते हैं, उसका फल क्या है, अख बीत लाभ होता है, कारण पर जगत अनंत भोग लाभ करता है। सतपात्र में देगा तो पर जगत में अनंत भोग को लाभ करेगा। सही रूप जरा कृष्ण कथा जरा समय अतिवाहित करे, तारा पर जगत पार्षद तो प्राप्त हो या निश्चय अक्षय परमा लाभ करीबे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जो व्यक्ति इस जीवन में भगवत कथा को हर समय सुनते हो, हरि कथा सुनते हो, उसको क्या होगा, भगवान का धाम की प्राप्ति होगी। क्यों, भगवान की कथा को श्रवण करते भगवत पार्षद तो निश्चित रूप में भगवत पार्षद तो ही प्राप्त होगा। यह द्वारा कृष्ण भक्त आयु हरण अभाव, मतलब जो व्यक्ति ये हरि कथा सुन रहे हैं, इनका परमायु के ऊपर में ये काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ेगा। इसलिए सारा दुनिया
काल को डरते हैं, लेकिन काल किसको डरते हैं? काल काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। सारा दुनिया काल को डरते हैं, लेकिन काल साधु को देख कर डरते हैं। बोले साधु को क्यों डरते हैं? वो हर समय भगवान की कथा कीर्तन भजन पूजा पाठ में लगे हुए, इसलिए इनको काल डरता है, इनको काल डरता है। किंतु भक्तर जन्म मुर्ग रोगा दे, यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, भैया भक्तों में भी तो कभी बीमारी दिखती है, भक्त लोग में भी कभी जन्म दिखता है, भक्त लोग भी तो कभी मरते हैं, ये तो कभी मरते हैं ना, जन्म होता है इनका भी तो, रोग रोग इनका भी दिखाई पड़ता है। बोले ऐसे क्यों है? बोले भक्तिर उत्कंठा वर्धन निमित्त भगवत इच्छाते ही हैया थाके। हैं जतो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय चारियोता पर आनंद सुख। वैष्णव का जो व्यवहार दुख, एक समय मेरे जो गुरु जी थे, मेरे गुरु जी को जो परिचित है गोस्वामी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया, बोले महाराज जी साधु को अंदर में कभी बीमारी देखने पड़ता है, वो भी मरते बीमार क्यों? बोले इसलिए दिखाई पड़ता है दूसरों को सेवा देने के लिए, क्यों? जब तक दूसरे व्यक्ति उनको सेवा नहीं करेगा, वैष्णव तो कभी चाहेंगे नहीं कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे, हैं जो भक्त कभी नहीं चाहेगा मेरा कोई सेवा करे, भक्त सहज में किसको सेवा देना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर जब बीमारी का बहाना करके क्या होता है, कहते करने पर फिर दूसरों को भक्ति उनकी सेवा करने की सुजोग मिल जाता है। जैसे मेरे जो गुरुदेव थे, मेरे भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, जब गुरुदेव उन्होंने थे, उन्होंने तो सारा जीवन सुस्त रहे, लेकिन अंतिम समय में थोड़ी सी कहीं असुस्त लिखा, ज़्यादा कोई नहीं ये। फिर उस समय क्या किया जब गुरुदेव वृद्ध हो गए, तब उन्होंने सब भक्तों को इधर तुम्हारी एक घंटा, तुम्हारी इसको पास तुम्हारी एक घंटा, तुम्हारी एक घंटा, सबके सब गुरु जी के पास में एक घंटा सबके सब रहा करते थे। लास्ट में एक घंटा गुरु जी के पास में सबके सब रहते थे। केवल गुरुदेव का अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तब गुरु जी की ज़रूरत हो तो कोई देने के लिए, इसलिए गुरु वैष्णव जो इसलिए देते हैं कि दूसरों की कल्याण करने के लिए। जब भक्तों की हम सेवा करेंगे, उनकी सेवा से क्या होगा? हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ेगी, भक्ति उन्मुखी सुकृति को द्वारा हमारी भक्ति धीरे 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 हमारा भक्ति बढ़ेगी, इसलिए वैष्णव सेवा से हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर जखाने काल जन्मादि कौन कारण आदि नाई, कहते जहाँ पर वैष्णव का जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी बीमारी दिखती है, वहाँ पर काल का कोई प्रकोप नहीं। इसलिए कहते तरव किम न जीवंती, लोग याद है भस्राम की न ससंतुत न खादंती न महंती गीम ग्राम पसब परे। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान हमें ये जीवन दिया क्यों है, हैं? कहते भगवान ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, मेरे गुरु जी की ये जो तीन चार श्लोक ऊपर में क्या लेक्चर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को टीका को साथ में क्या लेक्चर उन्होंने गुरुदेव ने दिया, अद्भुत रूप में दिया है, बहुत बढ़िया। और बंगला भाषा में बोले तरब किम न जीवंती, कहते अगर जगत में केवल जिंदा रहना ही यही जीवन का अगर सार हो, कहते क्या भैया पेड़ क्या जिंदा नहीं रहते? अब किसी बरगद का पेड़ को तो हजार हजार साल तक बरगद का पेड़ जिंदा रहता है, पीपल का पेड़ देखो और कुछ पेड़ देखो, कलकत्ता में एक पेड़ बटवृक्ष, कौन सा बटवृक्ष, वो बहुत लंबी इतने सारा दुनिया को देखने के लिए, देखने सारा दुनिया वो पेड़ को देखने के लिए आती, इतने मील तक वो लंबी बरगद का पेड़, क्या कौन सा वो मेरे याद नहीं आ रही उसका, अब देखना बरगद का पेड़ ना, उसका जो जाता है पेड़ से एक जड़ निकल आता है, हैं? फिर वहां पर बन जाते हैं, हाँ इसमें किसका हाँ नहीं नहीं पिताजी की सीताजी की वरदान, हाँ इसलिए फिर वहां से जड़ ऐसे फैलते फैलते मील तक वो वृक्ष बरगद का पेड़ मील तक, मतलब कितना साल से वो वृक्ष आए। इसलिए कहते अगर जीवन में जिंदा अगर रहना ही जीवन का सब कुछ हो, क्या ये बरगद का पेड़ पीपल पेड़ क्या जिंदा नहीं रहता है? भस्राम की न ससंतुत, अगर श्वास प्रश्वास लेना ही यही सब कुछ हो, तो जो धोकनी है, जो कुम्हार लोग धोकनी व्यवहार करता है प्लास्टिक का, उसको दबाते हैं हवा छोड़ता है फिर हवा लेता है, इससे लोहा गर्म करते हैं, इसलिए
उसको लोहे को गर्म करते हैं, उसमें कहती है धोखनी क्या श्वास प्रश्वास नहीं लेता है? बोले न खादंती, अगर खाना ही सब कुछ हो हैं, कहते भैया जानवर क्या खाना नहीं खाते हैं? बोले भैया जानवर तो खाना खाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग आज इडली खाए, हमारे मुरारी प्रभु ने बढ़िया सुंदर इडली बनाई हल्दी डाल करके, फिर सांभर तो सबको फेल कर दिया, सब दिन का सांभर है, फिर चाटनी क्या था एकदम बढ़िया चाटनी, सबको मुंह में पानी आ रहा है। फिर प्रभु जी कभी कभी जलेबी बनाती है, जलेबी और केक, हाँ ढोकला, इसलिए केक बनाते हैं, हाँ इसलिए कहते हैं अगर खाना ही सब कुछ हो हैं, क्या जानवर क्या खाते नहीं? बोले हम जैसे अलग अलग रूप में खाते हैं, अलग अलग है दाल सब्जी तरकारी चाउमीन पाउमीन खाते हो, हम तो अलग अलग खाते हैं, तो दूसरे जानवर को थोड़ी अलग अलग हो, तो एक ही पेड़ पौधा एक ही सब खाते हैं, घास भूसा खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो तृप्ति है ना, जैसे हम अलग अलग चीज़ों को खा करके हमें तृप्ति जैसे मिलती है, कहते ये जानवर लोग एक ही चीज खा करके उनका जो तृप्ति है ना वो तृप्ति एक ही है। बोले ना मेहनती है, क्या वो स्त्री संग नहीं करते हैं? है बंदर को देखो चिड़िया को देखो है कितना बार स्त्री संग करते हैं, हैं इसलिए कहते ना मेहनती, कहते अगर स्त्री संग ही सब कुछ हो, क्या जानवर लोग स्त्री संग नहीं करते? वो क्या बच्चे जन्म नहीं देते हैं? सुअर को देखो एक एक साथ में एक एक दर्जन बच्चे, पंद्रह पंद्रह बच्चे दे देते हैं, मेढक को देखो मेढक को हजार हजार बच्चा एक एक मेढक देता है, हाँ और मछली को आप देखना, मछली का बच्चा देखना ना कितने छोटी छोटी अंडा है, हैं लाखों अंडे दे देता है, इसलिए हाँ कछुआ नहीं इतना नहीं, मुर्गा 21 अंडा देता है, क्या देखो सांप भी बहुत बच्चा देता है हजारों, इसलिए कहते देखो अगर यही सब कुछ जीवन का अगर यही मूल हो, कहते वो क्या देते नहीं, क्या वो क्या ये सब चीज नहीं करते हैं? अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं हम तो बढ़िया एयर कंडीशन रूम में सोते हैं, बढ़िया खाते पीते बढ़िया करते हैं, बोले भैया ये सब काम जानवर भी आसानी से ये काम सब के सब करते हैं, यही करना यही जीवन का सब कुछ नहीं, इसको ऊपर में और कोई चीज है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, जोर से बोलो, इसको घुमाओ, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। ठाकुर जी को भी दर्शन करा दो, बहुत लोग देखते हैं, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल इसको बाद में जो श्लोक सुनेंगे बड़े गजब का श्लोक है, मेरे गुरुदेव तो इतना सुंदर उसको ठाकुर दर्शन कर लो, मजा मारो ठाकुर जी, गुरुजी ठाकुर दर्शन करा दो, आरती लाइव होंगे, आरती लाइव कर देते हैं, लाइव लाइव ज्यादा सुन करो।